गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी CW कॉपी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब क्या होता है? किसी भी शब्द का जो विपरीत अर्थ होता है, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं विलोम शब्द। तो सब हिंदी की CW कॉपी निकाल लीजिए, हम विलोम शब्द शुरू करने जा रहे हैं। आज की डेट डालिए 19/11/20 और यहाँ पर हेडिंग डालिए विलोम शब्द। लिखिए किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। लिखते हैं उसका जो उल्टा अर्थ होता है उसको विलोम शब्द कहते हैं। अब इधर हेडिंग डालिए, यहाँ पे लिखिए शब्द और इधर हेडिंग डालिए विलोम शब्द। और यहाँ पे लाइन ड्रा कर लीजिए बीच में। अब जैसे हमने लिखा, यहाँ पे लिखा रात, रात हमारा सही शब्द है। रात का विलोम शब्द क्या होगा? दिन। फिर वन लाइन लिख करके लिखिए अमीर, अमीर का विलोम शब्द क्या होगा? गरीब। फिर लिखिए पास, पास का विलोम होगा दूर। फिर वन लाइन लीव करके लिखिए उदय, इसका विलोम क्या होता है? अस्त। उदय मतलब प्रारंभ होना, अस्त मतलब डूबना। फिर वन लाइन लीव करके लिखिए ठंडी, ठंडी का विलोम शब्द होगा गरम। फिर वन लाइन लीव करके लिखिए अंदर, अंदर का विलोम शब्द होगा बाहर। अब नेक्स्ट पेज पे फिर से यही हेडिंग डाल लीजिए शब्द और इधर विलोम शब्द। अब नंबर 7 लिखेंगे अपन, आगे। बड़ा आ और गा में कहता आगे, आगे का क्या होगा? पीछे। फिर वन लाइन लीव करके लिखिए सुबह का विलोम क्या होगा? शाम। फिर वन लाइन लीव करके लिखिए हंसना, हाँ चंद्रबिंदु स और ना। हंसना का विपरीत होता है रोना। फिर 10वां नंबर पे जल्दी, जल्दी का विलोम होगा देर। फिर लिखिए देश, देश का विलोम होगा विदेश। इसके लिए लाइन ड्रा कर लीजिए बीच में। राजा, राजा का विलोम होगा रंग। फिर लिखिए गुण, गुण का विलोम होगा अवगुण। लिखिए अमृत, अमृत का विलोम होगा विष। और लास्ट में लिखिए अपना, अपना का क्या होगा? पराया। तो हमने कितने विलोम शब्द लिखे? 15। चलिए फिर से दोहरा लेते हैं इसको। विलोम शब्द किसे कहते हैं? किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं।
जैसे शब्द दिया रात, इसका विलोम क्या होगा? दिन। अमीर गरीब, पास दूर, उदय अस्त, ठंडी गरम, अंदर बाहर, आगे पीछे, सुबह शाम, हंसना रोना, जल्दी देर, देश विदेश, राजा रंग, गुण अवगुण, अमृत विष अपना पराया। अब हमने आज क्या पढ़ लिया? विलोम शब्द। आज हमने विलोम शब्द पढ़ लिया। अब आपके टर्म वन नज़दीक आ रहे हैं तो आपको इसकी पूरी प्रिपरेशन करना है, तो घर में सब इसको रिवाइज करिएगा, और आपका जो पेपर होगा, जो रोज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी बेस पे होगा, तो आपको जो रोज़ ऑब्जेक्टिव का रिवीजन आ रहा है उसको रिवीजन को करना है, उसी में से आपका पेपर आएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।